यो हाय। तो आज अपन उन लोगों को फुल इज्जत के साथ ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं जिन्होंने हमारा बचपन सस्पेंस थ्रिलर एक्शन एंटरटेनमेंट और अपराधी को पकड़ने वाली 100% वर्किंग एंड ऑल टाइम एप्लीकेबल फिक्स्ड स्ट्रेटेजी से भर दिया और असली अपराधियों का जीवन डिप्रेशन से भर दिया। और वो कोई और नहीं, वो है अपने इंडिया के सभी राज्यों के एक इकलौते ये बिना डिग्री लिए CID बन जाने वाले ये CID अफसर्स जिन्होंने हर जगह के हर प्रकार के A to Z केस सॉल्व करने का अकेले ठेका ले रखा है। इनके सिवा पूरी दुनिया में कोई और CID का एग्जाम क्रैक ही नहीं कर पाया। बस यही है एक इकलौते CID जो कि संडे हो या मंडे, दिन हो या रात, होली हो या दिवाली, लास्ट जिंदा हो या मुर्दा, चाहे किसी को केस सॉल्व करवाना हो या ना करवाना हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेशरम लोग जबरदस्ती हर किसी का केस सॉल्व कर डालते हैं। तो आओ फिर मैं तुमको तुम्हारे वही पल थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूँ, लेकिन उससे पहले कम ऑन एवरीबॉडी, पुट योर हैंड्स अप एंड कौन है ये? कौन है ये? अबे मच्छर, मच्छर। हाँ तो भाई, पिछले 20 साल से इनके करियर की कोई ग्रोथ हुई नहीं। ये चार्ली चैपलिन के कोई दूर के मामा का नाजायज भतीजा दिखने वाला अपना ये ACP प्रदुमन ACP का ACP ही रह गया। ये दोनों ठुल्ले ठुल्ले के ठुल्ले ही रह गए। प्रमोशन कभी भी किसी का भी हुआ ही नहीं, इधर तनख्वाह कभी भी किसी की बढ़ी ही नहीं। बेचारे 10,000 प्रति माह तनख्वाह लेने के बाद भी चुपचाप बिना चूचा करे हर केस सॉल्व कर डालते हैं। वो भी सरकार द्वारा दी गई सेकंड हैंड क्वालिस में बैठकर। बस दुनिया में जहां कभी भी कहीं भी अपराध हुआ, ये आ गए अपनी मरी हुई क्वालिस में बैठकर जो पिछले 10 साल से सर्विस मांग रही है। नहीं भाई, सच्ची में कसम से ACP प्रदुमन की मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ, इनकी ये क्वालिस पिछले 10 साल से सर्विस मांग रही है। लेकिन ये अपने कंजूस प्रदुमन बार बार खुद ही इंजन में घुस के इंजन को अपने हाथों से ही सर्विस देकर संतुष्ट कर रहा है। बोलो कितने हरामी है ये लोग। सर्विस मांग रही है भाई तुम्हारी गाड़ी, प्लीज खुद को तो नहीं मिली, गाड़ी को तो दो। इसको ACP सिर्फ अपने तिल का ताड़ बनाने वाले एक्सप्रेशन के कारण नहीं बोला जाता। अबे बहुत काम का आदमी है ये, इसके रहते कभी भी किसी को ऑफिस में पंखे को बिजली से चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने हाथों से ही घुमा देता है पंखे को। पूरे ऑफिस के लोग घर से सर में तेल डाल के आ जाते हैं और फिर उनके सर में अच्छे से रमा ये देता है। बस इसकी यही उंगलियां करने वाली आदत के कारण ही तो सरकार ने इसको CID में ले लिया। ले अब आराम से दूसरों के गांड में उंगली करते रहियो, मतलब तहकीकात करते रहना, केस सॉल्व करते रहना। अबे हाँ, अब समझ आया, इसकी यही फिंगरिंग करने वाली आदत। नाउ इट टोटली मेक सेंस। हाँ तभी तो इसका बेटा नहीं लगता। याद है तुमको इसका बेटा हातिम, जो हातिम बना था, ये है अपना फेवरेट हातिम। लेकिन ये इधर आतंकवादी है, मतलब बाप CID और बेटा अपराधी। तो अब समझ गए तुम, साहब जी हर जगह फिंगरिंग ही करते रह गए। दूसरों का तो कर लिया पर खुद का केस सॉल्व नहीं कर पाए, पर मैंने कर दिया। समझ गए? समझ रहे हो ना। अभिजीत एंड दया, जिनको CID के दो शेर कहा जाता है। कहा तो क्या जाता है, बस मैंने तो एक बार एक चिंदी चोर सा गुंडा था उसी के मुंह से सुन लिया था कि भाई इन्हें CID के शेर कहा जाता है। कहते होंगे भाई मेरे को क्या है, एक एपिसोड में सुना था मैंने एक बार, तो तुमको बता दिया कि भाई इन्हें CID का शेर कहा जाता है। पर असल में इन दो शेरों से इन्वेस्टिगेशन के नाम पे मजदूरी कराई जाती है। इन दोनों का बस एक ही काम है, एक घर से दूसरे घर पूछताछ के नाम पे बकचोदी करने चल जाते हैं। पूरी मुंबई की दुकानों में बस मुंह मारते फिर रहते हैं ये। वो भी किस लिए हैं? लाश के पास मिली कोई विशेष वस्तु किस विशेष दुकान से किसके द्वारा खरीदी गई है, ये पता लगाने के लिए, क्योंकि कातिल ढूंढने का बस इकलौता तरीका यही है इनके पास। और भाई साहब तगड़ा सस्पेंस तो तब आ जाता है जब बार बार यही तरीके से हर बार ढूंढ लेते हैं ये कातिल को। कातिल मिल जाता है भाई इनको हर बार इसी तरीके से कि भाई तूने खरीदा है ये, तेरी माँ की, पकड़ पकड़ इसको। मिल गया कातिल, चलो केस सॉल्व।
दया एक ऐसा यंत्र है सीआईडी के यूनिवर्स में जो ताले की चाबी को खुद से रिप्लेस कर चुका है। इस प्राणी के रहते दरवाजा खोलने की एक प्रक्रिया होती है जिसका वजूद नहीं है कोई अब। इनकी दुनिया में कोई ऐसी चीज एक्सिस्ट ही नहीं करती कि तुम दरवाजे की कुंडी पकड़ो और खोल दो भैंस की टांग। नहीं, अफवाह है ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता, मनगढ़ंत बातें हैं ये। ये जनाब तो सीआईडी में तनखा ही सिर्फ दरवाजे तोड़ने की ले रहा है। बस जहाँ कहीं इन्हें एक टिका हुआ शांति से खड़ा हुआ दरवाजा दिखा नहीं कि ये टकला बोल देगा दरवाजा तोड़ दो, और फिर दया दरवाजा तोड़ देगा। अगर ये नहीं बोलेगा दया तब भी दरवाजा तोड़ देगा, लेकिन फिर भी ये बोलेगा दरवाजा तोड़ दो, ताकि चौड़ बढ़ जाए भाई इसकी कि मेरे कहने से तोड़ा इसने, मेरे कहने से, मैंने कहा था इसने तोड़ दिया। हाँ, अरे भाई एक बार देख ले, दरवाजे पे एक कुंडी भी है, क्या पता थोड़ा बहुत हिलाने से दरवाजा खुल ही जाए। नहीं क्या पता, कभी कभार खुल जाता है यार, ऐसा सुना है मैंने, लेकिन नहीं इतनी मेहनत कौन करे, इसलिए दरवाजा तोड़ दो। लेकिन एक आम आदमी कब तक इनका ये अत्याचार सहेगा। नहीं दरवाजा खोलो, हम लोग सर सर ये क्या कर रहे हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे पास चाबी है इसे। अब दया के साथ नाम जुड़ता है एक और अपने ताऊजी की जैक लगा के सीआईडी में दाखिला लेने वाले ऑफिसर का, अभिजीत। अभिजीत जिसकी आए दिन याददाश्त ही जाती रहती थी, और फिर याददाश्त जाने के बाद लौंडा खुद को एक आतंकवादी औरत की औलाद समझता था और फिर आतंक मचाने निकल जाता था, जिससे कि शो की टीआरपी और आती थी, इसलिए बार बार याददाश्त भूलना तो बनता है ना यार। फिर अभिजीत को होश में लाने के लिए अपने एसीबी साहब को डॉक्टर तारिका दिखानी पड़ती थी इसे। और फिर डॉक्टर तारिका दिखाने के बाद तो भाई साहब इसका गाल लाल हो जाता है, हाल बेहाल हो जाता है, पूरा अंदर से बौखला जाता है ये तो। मेरा मन जो है ना सर वो डांस करने का करता है। फिर इतना बौखला जाने के बाद तो फिर चाहे से इससे सीआईडी में चौकीदारी करवा लो या फिर गली के सुअरों को पकड़वा लो, ये हंसता हंसता कर लेगा। सुन एक चीज दिखाऊं तेरे को, देख। नहीं ये हो ही नहीं सकता, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। सबूत कुछ कहते हैं पर दिल कुछ और, पर क्या करूं? अबे सबूत सही कह रहा है ब्रो। सीआईडी का हर एक एपिसोड चालू होता है एक खुशहाल माहौल से, जहां हर जगह खुशियां हैं। उसी बीच कोई दो लोगों की बहस हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद उन्हीं में से एक की लाश मिलती है हमें। अब लाश देखकर सब लोग घबरा जाएंगे, फिर उन्हीं में से एक सबसे इंटेलिजेंट जना खुद कुछ भी ना करके डरता हुआ घबराता हुआ सबको आदेश देगा कि सीआईडी को बुलाओ। क्यों, तेरी प्लान की वैधता समाप्त हो गई, तू ही बुला ले सीआईडी को बुलाओ। और हम गरीब लोग कहीं थोड़ा बहुत हुआ एक्सीडेंट भी देख ले तो पुलिस वालों को भी डरते डरते बुलाएंगे, लेकिन ये रही ज्यादे कहीं जमीन पे पड़ा हुआ सॉस भी देख लें तो सीधा सीआईडी को बुलाओ। अबे साले तुम्हारे बगल में जो पुलिस थाना है उसमें पुलिस के चने बेचने के लिए बैठी है, अबे उन्हीं को बुला ले यार। लेकिन नहीं, समाज वालों को अपना स्टैंडर्ड भी तो दिखाना है, इसलिए सीआईडी को बुलाओ। फिर पलक झपकते ही सीआईडी आ जाएगी और फिर अपना दिमाग लगाएगी और सबसे पूछेगी कि इसकी दुश्मनी किसके साथ थी। उसके बाद सीआईडी सबसे पहले उसी इंसान को पकड़ेगी जो इंसान इससे दुश्मनी रख रखा था, लेकिन इतिहास गवाह है कि वो इंसान कभी भी एंड में कातिल नहीं निकलता। अबे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, मुझसे ही पूछ लो, मैं ही बता दूं कि इसका कातिल तो कोई अपना ही है। सीआईडी फिर क्राइम सीन से कुछ सैंपल्स लेगी जिसको वो इस विचित्र आदमखोर पशु के पास लेके जाएगी, डॉक्टर सालुखे। डॉक्टर सालुखे ये भाई साहब इतना खतरनाक आदमी है कि ये कुछ ना कुछ केमिकल लोचा करके सीआईडी को हमेशा कातिल तक पहुंचा ही देता है। इसके पास इस लेवल की टेक्नोलॉजी है कि ये किसी की टट्टी का कलर देखकर ही बता सकता है कि ये नर की है या मादा की। अब डॉक्टर सालुखे को लाश के पास मिली कुछ मिट्टी के कण देने के बाद वो उसको टेस्ट करता है अपने खुद के डिजिटल सिस्टम से। अपने खुद के डिजिटल सिस्टम से कैसे, ऐसे। इसके ढंग देख के लग रहा है तुम्हें कि इसकी सात पुश्तों में भी कभी कोई डॉक्टर रहा होगा? भाई मुझे नहीं लग रहा कि इसने कभी अपनी जिंदगी में लिटमस टेस्ट भी करा होगा। इन सीआईडी वालों ने होम साइंस लेने वाले विद्यार्थी को ही उठा के फॉरेंसिक लैब में बैठा दिया। और जब डॉक्टर सालुखे के लिए ये लोग कुछ अच्छा पदार्थ लेके आ जाते हैं जिसको चाटने के बाद उसे मीठा मीठा लगता है, तो खुशी के मारे वो कुछ ऐसे करता है। ओ मोना ओ टोना
टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि ये तो ये है, तो पता करो दया कि ये कहाँ मिलता है। पता करने के बाद पता चलता है कि ये तो मुंबई की सिर्फ 3 दुकानों में ही मिलता है। अरे तेरी तो। फिर दुकान पे जाके वो बोलेंगे कि हम तो सीआईडी से हैं। सीआईडी? ये सुनते ही बगल में शांति से खड़ा एक आदमी अपने आप भागने लगेगा, जिसको पूछा भी नहीं, लेकिन वो अपने आप भाग जाएगा। फिर उसको देखे दया उसके पीछे भाग जाएगा। पकड़ने के बाद दया उसके एक चाटा देगा, जिससे कि वो दोनों डायरेक्ट सीधा सीआईडी के ऑफिस में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। वहां वो रोता रोता बोलेगा कि उसने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया इसलिए मार दिया। ये तो बहुत अच्छा किया, सही किया, मार दिया। अब एंड में प्रद्युमन जी अपने एक्सपीरियंस से कातिल की थोड़ी भविष्यवाणी करेंगे कि तुम्हें तो फांसी होगी। फांसी? अपराध चाहे से तुम कुछ भी करो, एसीपी प्रद्युमन के हिसाब से सजा तो एक ही होगी, फांसी होगी, फांसी, फांसी ही होगी। बस फिर उसके बाद क्या है, एपिसोड खत्म और अपना वीडियो भी खत्म, खत्म। अब अपन थोड़ी अपनी पर्सनल बात करेंगे। तुम्हारे काम का जो भी था वो सब कुछ हो चुका है, अब तुम चाहो तो जा सकते हो, है ना, जाओ। अब जो बचे हैं वो सुनो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल के साथ नीचे कमेंट कर देना। कमेंट कमेंट क्या करूँ, समझ में ही नहीं आता कुछ, दिमाग में ही नहीं आ रहा कुछ। इमोजी वगैरह बना दूँ? हाँ सही है, बना दे। ABCD लिख दे, 1 2 3 लिख दे, पोएम लिख दे, दोहा लिख दे, जो लिखना है लिख दे, ताकि बस रीच बढ़े, वीडियो की परफॉर्मेंस वगैरह सही रहे। और सपोर्ट मी, क्योंकि ये क्रिटिकल टाइम है, अब समय आ चुका है, अब अपनी ये यात्रा कभी भी समाप्त हो सकती है। दैट टाइम कैन बी एनी टाइम भाई। चलो ठीक है, बाय।